मैंने कहा ना लाइन लगा के करो, हियर बेल्जियम एंड ऑन वन साइड यूरोप, इट मींस बेल्जियम इज अ पार्ट ऑफ व्हिच कॉन्टिनेंट, यूरोप. इट मींस इन दिस चैप्टर वी आर स्टडिंग अबाउट द कॉन्टिनेंट यूरोप एंड बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप. और स्मॉल कंट्री मैंने क्यों कहा है, इसका साइज पता कितना है? आप हमारी इंडिया में जो स्टेट है फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, जितनी हरियाणा स्टेट जो है उसका एरिया है उतना ही बेल्जियम. तो हमारी कंट्री में हरियाणा जितना एरिया एक स्टेट है और यूरोप में हरियाणा के जितना एरिया एक कंट्री, ठीक है. तो इसका साइज अपने आप देखो कितना स्मॉल होगा, स्मॉल साइज लाइक ऑफ हरियाणा. तो आपकी बुक में बेल्जियम का एरिया किसके साथ कंपेयर किया गया है, हरियाणा स्टेट, ठीक है. अब इसके बॉर्डर एरियाज यानी कि यूरोप में इसके बॉर्डर एरियाज कौन कौन सी कंट्रीज के साथ टच होते हैं, लाइक कौन कौन सी इसकी नेबरिंग कंट्रीज है. तो राइट डाउन नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम, नंबर वन फ्रांस, अभी सारी यूरोपियन कंट्रीज करनी है हमने, नंबर वन फ्रांस, नंबर टू नीदरलैंड, नंबर थ्री जर्मनी एंड नंबर फोर लग्जमबर्ग. फर्स्ट इज फ्रांस, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम, फर्स्ट इज फ्रांस, सेकेंड इज नीदरलैंड, थर्ड इज जर्मनी एंड फोर्थ इज लग्जमबर्ग जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है. एंड इसकी पॉपुलेशन, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, राइट डाउन इट्स पॉपुलेशन. इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 1 करोड़ है. और आपको पता है हरियाणा की कितनी है, हरियाणा की से मतलब जो है 2 करोड़ है. तो आप ये सोचो कि हरियाणा की अकेले की हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़. तो बेल्जियम की कितनी, 1 करोड़. एरिया की बात की जाए तो हरियाणा और बेल्जियम का एरिया स्मॉल है, सेम है, लेकिन बेल्जियम एक कंट्री है और हरियाणा क्या है, स्टेट. यानी कि उनकी कंट्री जो है, एक कंट्री जो है वो हमारी एक स्टेट के बराबर है, ठीक है. पॉपुलेशन जो है इसकी कितनी है, 1 करोड़. अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, इसका मतलब क्या है कि हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन का हाफ है बेल्जियम की पॉपुलेशन. अब प्रॉब्लम क्या आई, अब हमने बताना है इसकी प्रॉब्लम. इसकी प्रॉब्लम क्या है, एथनिक कॉम्पोजिशन. एथनिक कॉम्पोजिशन, सबसे पहले अब आपको बताना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथनिक कॉम्पोजिशन. कॉम्प्लेक्स है इसकी, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जो परसेंटेज है वो कंट्री में कुछ और है और कैपिटल में कुछ और है. लेकिन पहले आपको बताना चाहिए एथनिक कॉम्पोजिशन क्या होती है. एथनिक कॉम्पोजिशन, जैसे ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथनिक कॉम्पोजिशन. इट मींस सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर. सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर इन द कंट्री. सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द कल्चर इन द कंट्री. ऐसी कंट्री जिसमें सोशल डिवीजन के बेसिस के ऊपर लोगों को डिवाइड किया जाता है. अगर अपनी कंट्री की बात की जाए तो हमारी कंट्री में एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग है. लेकिन इनकी कंट्री में जो कॉम्पोजिशन है उसको किस पे बेस पे डिवाइड किया गया, लैंग्वेज के बेस पे. अब हम करते हैं इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यों है. परसेंटेज साइड बाय साइड ध्यान से लिखना, 59% स्पीक डच. और जो लोग डच बोलते थे ये बेल्जियम के कौन से एरिया में रहते थे, वेलोनिया, ठीक है. नेक्स्ट इज 40% स्पीक फ्रेंच. जो फ्रेंच बोलते थे ये कौन से एरिया में रहते थे, सॉरी यहां पे आएगा फ्लेमिश, यहां पे आएगा वेलोनिया. ये हो गया आपका 1 मार्क क्वेश्चन. पूरी कंट्री की बात करें तो बेल्जियम में 59% थे डच. जो 59% डच बोलते थे ये कौन से एरिया में रहते थे, फ्लेमिश एरिया. 40% जो फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज ये थे वेलोनिया एरिया.
अब प्रॉब्लम क्या थी, जो लोग फ्रेंच बोलते थे दे वर रिच, यानी कि जो लोग वेलोनिया एरिया में रहते थे फ्रेंच बोलते थे दे वर रिच। लेकिन अब देखा जाए तो इसमें मेजोरिटी किसकी है, किसकी है, डच की। तो ये क्या हो गए, माइनॉरिटी। 1% अदर्स, अदर्स में मिक्स कोई भी हो सकता, यानी कि जो दूसरी कंट्री से वहां पे गए होंगे फॉरनर्स। मेन हमने ये डिवीजन याद रखनी है। टोटल कितना हो गया, 100, हमेशा याद रखना। 59 डच, दे लिव्ड इन फ्लेमिश एरियाज, ठीक है। ये क्या थी, मेजॉरिटी। 40% फ्रेंच वेलोनिया में रहते थे, बट दे वर रिच एंड दे वर रिगार्डेड एज माइनॉरिटी। प्रॉब्लम क्या थी कि जो मेजॉरिटी में थे दे वर नॉट रिच, एवरेज थे या पुअर थे, और जो माइनॉरिटी में थे दे वर रिच। दिस वॉज अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। अब 1% में वैसे तो अदर्स भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ परसेंट जो है वो जर्मन के अलावा अदर्स में सब कुछ ही आ जाता है, और भी लैंग्वेजेस आ सकती हैं। 1% जर्मन, तो उनका कुछ इतना खास जो है वो रोल नहीं था। लेकिन मेन प्रॉब्लम किनके बीच में थी, डच और फ्रेंच के बीच में, ठीक है। ये तो थी कंट्री की डिवीजन। सपोज मैं आपको इंडिया की बता रही हूँ कि इंडिया में बेटा ऐसे है, इतने परसेंट लोग हिंदू हैं, इतने परसेंट मुस्लिम हैं, इतने परसेंट सिख कम्युनिटी है, इतने परसेंट है, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको कंट्री की बता दी। लेकिन अगर मैंने कैपिटल की बतानी है तो मैं आपको अलग से बताऊंगी दिल्ली। ऐसे ही बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स, ब्रसल में इसके ऑपोजिट था, बिल्कुल ऑपोजिट। अब ब्रसल में क्या था, कंट्री में जो मेजोरिटी थी उनकी माइनॉरिटी थी, और कंट्री में जिनकी माइनॉरिटी थी ब्रसल में उनकी मेजोरिटी, ऐसे ऑपोजिट थे। अब ब्रसल की आपने एक एथनिक कंपोजिशन नोट करो, 80% फ्रेंच, 80% है, तो ये हो गए क्या, हो गए मेजोरिटी। जिनकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होता है मेजोरिटी। तो फ्रेंच कौन थे, रिच या पुअर, रिच कम्युनिटी थी। तो यहाँ पे ब्रसल में 80% से मतलब ज्यादा लोग फ्रेंच बोलते थे, मेजोरिटी थी, और उनकी जो है दे वर वेरी रिच एंड इंटेलिजेंट। 20% डच माइनॉरिटी, दे वर पुअर। दिस क्रिएटेड टेंशन, यानी कि कंट्री में जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है वो रिच भी है मेजोरिटी में, लेकिन देखा जाए कैपिटल में तो कंट्री में इसको ऑपोजिट था। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ टेंशन बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज। और ये टेंशन जो है कौन से ईयर से लेकर कौन से ईयर तक रही, 1950 टू 1960, 1950 टू 1950 से लेकर 1960, 10 ईयर्स ऐसे थे जिन ईयर्स में इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में काफी प्रॉब्लम्स रही, ठीक है। एंड दे अटैक ऑन ईच अदर आल्सो, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाना। तो दिस वाज अ कॉमन इन द बेल्जियम एज वेल एज इन द कंट्री, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि ऐसे टाइम पीरियड में बेल्जियम की गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा जो है वो एक पॉलिसी जो है वो बनाई, या एक अच्छा जैसे हम कहते हैं वे आउट निकाला। वे आउट का मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वे आउट, ठीक है। और इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन, या हम ये भी कह सकते हैं विच पाथ वॉज अडॉप्टेड बाय बेल्जियम गवर्नमेंट, यानी कि बेल्जियम गवर्नमेंट ने कौन सा पाथ अडॉप्ट किया इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, इसको बोलते हैं अकोमोडेशन पाथ। और इस अकोमोडेशन पाथ को फॉलो करने के लिए उनको सबसे पहले क्या करना था, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने थे। एंड लगातार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए उन्होंने, कभी एक कम्युनिटी सेटिस्फाई होती थी कभी दूसरी, और इस तरह से जब तक चेंजेस करते रहे जब तक दोनों कम्युनिटीज आपस में सेटिस्फाइड नहीं हुई। ये चेंजेस कब से लेकर कब तक किए,
1970 to 1993, इंपॉर्टेंट ईयर्स नोट करो, 1970 to 1993 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड 4 times, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाता था। 1950 से लेकर 1960 तक प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए फिर 1970 से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना शुरू हो गए। इमीडिएटली सब कुछ सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, जैसे अगर हम कहें आज भी हमारी कंट्री में रिलीजियस प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती, तो 1970 से वो चेंजेस करना शुरू हुए। कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार चेंज किया, कम्युनिटीज के बीच में प्रॉब्लम आई, फिर चेंज किया, फिर प्रॉब्लम आई, एंड 1993 तक 4 times कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और दोनों कम्युनिटीज को एक दूसरे के साथ मिलकर कंट्री प्लस एज वेल एज कैपिटल जो है वो आगे डेवलपमेंट करने के लिए कन्विंस किया गया, ठीक है। हाँ जी, इसमें है कि आपने बताना मेन प्रॉब्लम हुई, उसके बाद कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन चेंजेस की बात करें तो बेसिकली चेंजेस 1970 के बाद स्टार्ट, इन बिटवीन कुछ खास नहीं, डेवलपमेंट होती रही या कुछ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को जो चेंज किया वो कब से स्टार्ट हुआ, 1970 से। फिर भी कितना टाइम लगा, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 93, है ना, तो फिर भी बहुत टाइम लगा कम्युनिटीज के बीच में आपस में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देन अब बेस्ट पार्ट का मतलब क्या होता है कि अब कौन सा पाथ अडॉप्ट किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस किए गए वो नोट करो। नंबर वन, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स विल बी इक्वल, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स विल बी इक्वल इन द सेंटर गवर्नमेंट। ये डिसाइड किया गया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं उनका नंबर इक्वल, इक्वल का मतलब होता है सपोज हमारी लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी है, 543, लेकिन अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे इनकी कंट्री में क्या डिसाइड किया गया, अगर 200 सीट्स हैं, 100 होंगी फ्रेंच की, 100 होंगी डच की, चाहे कोई मेजोरिटी है चाहे कोई माइनॉरिटी, इक्वल सीट्स इन द पार्लियामेंट वॉज गिवन टू ऑल, ठीक है। नेक्स्ट नोट करो, बोथ कम्युनिटीज विल रिस्पेक्ट रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, दोनों एक दूसरे की जो है रिस्पेक्ट करेंगी, बोथ कम्युनिटीज विल रिस्पेक्ट रीजनल का मतलब एरिया वाइज, एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, एक दूसरे के कल्चर और एक दूसरे में जो डिफरेंसेस है उनकी रिस्पेक्ट करेंगी। थर्ड, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन, जब भी कोई कंट्री के लिए कोई मेजर डिसीजन लिया जाएगा कोई एक कम्युनिटी नहीं बल्कि दोनों कम्युनिटीज की बराबर वोटिंग करवाई जाएगी। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस। नेक्स्ट क्या कर दिया गया, इस कंट्री को क्या बना दिया गया, फेडरल। फेडरल का मतलब क्या होता है, व्हेन पावर्स आर टेकन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि बेल्जियम जो है इसको क्या बना दिया गया, फेडरल स्ट्रक्चर। राइट डाउन, बेल्जियम में सम पावर्स ऑफ सेंटर गवर्नमेंट वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, और इस तरह से बेल्जियम को कौन सी कंट्री बना दिया, फेडरल कंट्री, यानी कि अब वहां पे स्टेट गवर्नमेंट पूरी कंट्री को कंट्रोल करेगी। यस प्रॉपरली, ब्रसल तो कैपिटल थे जैसे दिल्ली कैपिटल, वो तो स्टेट्स होंगी बेल्जियम, ब्रसल तो जैसे इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल, ठीक है, कैपिटल की तो अपनी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे दिल्ली के अपने सीएम है, उसके लिए भी प्रोविजन की थी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट, ब्रसल है सेपरेट गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली की अलग गवर्नमेंट है ना, तो कैपिटल की भी अपनी अलग गवर्नमेंट, ब्रसल है सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज वर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन। पहले क्या था, परसेंटेज कितनी थी, 80% फ्रेंच एंड 20% डच, पर उनको तो बहुत वो फायदा हो गया, किनको फायदा हो गया, डच को, अब उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गई। अगर सपोज ब्रसल में 100 सीट्स हैं
ब्रसल की पार्लियामेंट में 100 सीट है, जैसे दिल्ली है ना, तो 50 किसको मिली? डच को, और 50 किसको मिली? फ्रेंच को, तो वो भी सेटिस्फाई हो गए। ब्रसल है सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज वर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ये प्रोविजन यहां तक तो ठीक थी। इसके अलावा एक और बेस्ट पार्ट क्या किया गया, सेंटर गवर्नमेंट भी बनाई, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाई, एक और गवर्नमेंट बनाई हमारी कंट्री में, उसको हम क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट। इनकी कंट्री में क्या कहा गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया उन्होंने, नेक्स्ट कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस, थर्ड काइंड ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस। इसको क्या कहा गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब फ्रेंच कम्युनिटी अपने लिए और डच कम्युनिटी अपने लिए कुछ रूल्स बना सकती है ताकि अपनी कम्युनिटी की प्रमोशन कर सके, जैसे हमारी कंट्री में लोकल लेवल होता है। ठीक है, फ्रेंच एंड डच दे वर गिवन पावर्स टू डिवेलप देयर कल्चर। उनको पावर्स दे दी गई कि वो अपनी लैंग्वेज और कल्चर को प्रॉपरली डिवेलप करें, नो मैटर वेयर दे लिव, चाहे वो बेलोनिया में रहते हैं, चाहे वो ब्रसल में रहते हैं, चाहे वो फ्लेमिश में रहते हैं, लेकिन वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट का पार्ट होंगे। अब आप खुद सोचो, उस टाइम पीरियड में जो बेल्जियम में पर्सन रहते होंगे वो एट ए टाइम 3 गवर्नमेंट का पार्ट होंगे। नंबर वन, अगर वो फ्रेंच है तो किस कम्युनिटी के अंडर आते हैं, फ्रेंच गवर्नमेंट के अंडर। अगर वो स्टेट में है तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी होंगे, और पूरी कंट्री यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो अल्टीमेटली जैसे हमारी कंट्री में क्या है, हम डिस्ट्रिक्ट में भी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी हमें रूल कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी हमें रूल कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमें रूल कर रही है, ऐसे। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन से दैट बेस्ट अकोमोडेशन पाथ वॉज अडॉप्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रेंच एंड डच, दैट्स वाई दिस इज नोन एज द अकोमोडेशन पाथ ऑफ द फ्रांस। ठीक है, अब कम्युनिटी गवर्नमेंट को क्या स्पेशल पावर दी गई, सो राइट डाउन स्पेशल पावर, पावर टू सॉल्व कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। अगर कंट्री में कोई भी लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज होते हैं, एजुकेशनल, कल्चरल, कम्युनिटी गवर्नमेंट वॉज गिवन पावर टू सॉल्व कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। और आज तक बेल्जियम कंट्री में प्रॉब्लम नहीं आई, द गवर्नमेंट रियली वर्कड वेरी वेल। सो दैट वॉज ऑल अबाउट अकोमोडेशन पाथ अडॉप्टेड बाय बेल्जियम गवर्नमेंट। अब इसमें 1 मार्क के अकॉर्डिंग, MCQs के अकॉर्डिंग, जैसे भी आए परसेंटेज याद रखो। ठीक है, और अब आ जाओ नेक्स्ट, श्रीलंका। सेकेंड इज श्रीलंका। सेकेंड स्टोरी जो है दैट इज फ्रॉम श्रीलंका। ठीक है, अब बुक रीडिंग प्रॉपर करनी है बच्चे इसकी, ताकि एनी क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम बुक। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीलंका जो है उसको आइलैंड नेशन कहते हैं, आइलैंड नेशन। वाई? आइलैंड क्या होता है, लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। ठीक है, इसलिए इसको आइलैंड नेशन कहते हैं। यहां पे प्रॉब्लम क्या आई, श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जिस कंट्री को हमारी कंट्री ही की ही तरह, ठीक है, ये भी कॉलोनी थी, बट दिस गेन इंडिपेंडेंस 1 ईयर आफ्टर आर इंडिपेंडेंस, दैट इज 1948। ये इंपॉर्टेंट ईयर याद रखो, व्हेन श्रीलंका गेन्ड इंडिपेंडेंस, 1948। ठीक है, अब जब इस कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन था, यहाँ पे भी लैंग्वेज का इशू आया। उनकी लैंग्वेज क्या थी, सिन्हाला, और इनका रिलीजन क्या था, नो मैंने बोला लैंग्वेज सिन्हाला और रिलीजन नहीं बच्चे,
बुद्धिज्म, ठीक है, लैंग्वेज लैंग्वेज सिन्हाला, और रिलीजन इनका बुद्धिज्म, ठीक है। सिन्हाला को सिन्हालीज मतलब से इंडिया इंडियन, इंडिया इंडियन, चाइना चाइनीज, सिन्हाला सिन्हालीज पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल। सिन्हालीज सिन्हाला लैंग्वेज, जो लैंग्वेज बोलते हैं जैसे हिंदी हिंदू है ना, ऐसे ही सिन्हाला सिन्हालीज ऐसे याद रखो। हाँ जैसे पंजाब पंजाबी, ठीक है। 1948 में जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली तो इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनी एथनिक कॉम्पोजिशन मैनी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स वर देयर। सम पीपल दे स्पोक सिन्हाला, सम पीपल दे स्पोक तमिल, ठीक है, और कुछ जो थे जो तमिल थे और ऑटोमेटिकली उसमें से कुछ इंडियन थे और कुछ श्रीलंका के थे, ठीक है, कुछ क्रिश्चियंस भी थे। तो ये एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इसकी डाइवर्स जो कल्चर था, इस डाइवर्स कल्चर का फायदा किसने लिया, सिन्हालास ने। कंट्री में इलेक्शंस जब हुए तो उन इलेक्शन में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो जीती, उस पॉलिटिकल पार्टी में सबसे ज्यादा लोग जो थे वो कौन थे, सिन्हालास। गवर्नमेंट बनते ही उन्होंने क्या किया, सिन्हाला को बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्होंने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, और रिलीजन क्या कर दिया, बुद्धिज्म। आज भी ऐसा ही, आज भी ऐसा ही है। विच इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, सिन्हाला, एंड विच इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका, बुद्धिज्म, ठीक है। एक्ट पास किया, और अब डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे आता है, डिस्क्रिमिनेशन इस स्पेस पे आया कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो किनको मिलेंगी, सिन्हाला। जितनी भी टॉपर्स टॉप यूनिवर्सिटी पोजीशंस हैं, अगर कोई तमिल फर्स्ट आएगा, चाइनी कोई क्रिश्चियन फर्स्ट आएगा, उसको नहीं, अगर वो सिन्हाला है तो ठीक है, अगर सिन्हाला नहीं है तो उसके नीचे वाला वो टॉपर बना दिया जाता था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ, बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ, जिसके कारण कंट्री में सिविल वॉर हुई, और सिविल वॉर में दोनों ही कम्युनिटीज सिन्हाला एंड तमिल दे फॉट विद ईच अदर, मैनी पीपल डाइड एंड किल्ड, बट स्टिल प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। ऐसी कंट्री जहां पे मेजॉरिटी अपनी पावर्स को मिसयूज करती है, ऐसी कंट्री को क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी को, मेजॉरिटी कंट्री। और जो पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की, उस पॉलिसी को क्या बोलते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म, मेजॉरी इसको स्पेलिंग ध्यान से याद करो, मेजॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। श्रीलंका की जो पॉलिसी है उसने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, मेजॉरिटेरियनिज्म, मेजॉरिटी मेजॉरिटी इंप्लीमेंट की। अब वन मार्क क्वेश्चन सारे नोट करो, वन मार्क क्वेश्चन, विच कंट्री, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज नोन एज आइलैंड नेशन, श्रीलंका। अब इसकी परसेंटेज नोट करो, हाउ मेनी परसेंट ऑफ पीपल इन श्रीलंका स्पीक सिन्हालास, 74% पीपल दे स्पीक सिन्हालास, सिन्हाला, ठीक है, एंड उनका रिलीजन क्या था, बुद्धिस्ट। अब आगे 18% को हमने डिवाइड करना, 18% जो थे वो तमिल थे, उनकी लैंग्वेज तमिल थी, लेकिन इसको डिवाइड करो इसमें से 13% और 5%, ठीक है, इसको डिवाइड करो, 18 को डिवाइड करो, 18 में से 13 जो परसेंट थे वो थे श्रीलंकन तमिल, वो उनका बर्थ श्रीलंका का था लेकिन वो उनकी लैंग्वेज क्या थी, तमिल। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीलंका जो है तमिलनाडु के पास, तो कई बार क्या होता है दोनों एरियाज के बीच में आपस में बहुत से लोग माइग्रेट हुए, तो कहीं ना कहीं इन पे कल्चर जो है, श्रीलंका में तमिल लोगों का भी कल्चर है, पर वो अलग बात है कि वो लोग श्रीलंका में उनका बर्थ हुआ, कुछ फैमिलीज श्रीलंकन तमिल्स, इसलिए उसको श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं। 5% जो इंडिया से लेबर करने के लिए कहां पे गए, श्रीलंका, उनको बोलते हैं इंडियन तमिल्स, जो इंडिया से इंडियन तमिल्स, यानी कि इनका बर्थ इंडिया का है, बर्थ इंडिया का है लेकिन काम करने के लिए कहां पे गए हैं, श्रीलंका।
रहते वहीं पे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनकी लैंग्वेज दोनों की कॉमन है, दोनों ही तमिल बोलते हैं, पर 13% श्रीलंकन एंड 5% इंडियन। ठीक है, अब 7% क्रिश्चियंस, 74 + 18 + 7 जो है वो क्या है, क्रिश्चियन, वहां पे क्रिश्चियंस भी रहते हैं, 7% क्रिश्चियंस एंड 1% अदर्स, टोटल कितना हुआ 100। ऐसे आपने याद करो, 74% सिन्हाला, 18% तमिल, 18 को डिवाइड किया 13 श्रीलंकन तमिल, 5 इंडियन तमिल, 7 क्रिश्चियंस एंड 1 अदर्स, ये मेन है इनकी एथनिक कंपोजिशन। अब प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम आई कि पॉलिटिकल पार्टी किसकी बनी, 74 जो परसेंट थे, और ग्रुप भी इनका बना, गवर्नमेंट भी इनकी बनी, रूलर भी इनका और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इनके। कहने को श्रीलंका डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शंस करवाए, बट स्टिल मेजोरिटी ने क्या किया, मेजोरिटेरियनिज्म को अप्लाई कर दिया। कैसे किया, नंबर वन, दे पास एन एक्ट इन 1956, ये ईयर याद रखो, 1956 में श्रीलंका में मेजोरिटी गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसके अकॉर्डिंग सिन्हाला वॉज डिक्लेयर ऑफिशियल लैंग्वेज, सिन्हाला वॉज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज एंड बुद्धिज्म वॉज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल रिलीजन, बुद्धिज्म वॉज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल रिलीजन। थर्ड, दे फेवर्ड गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी टॉप पोजिशंस ओनली टू सिन्हाला, यानी कि गवर्नमेंट जॉब उनको मिलेगी जो सिन्हाला बोलते हैं, एंड दे फेवर्ड गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी टॉप पोजिशंस ओनली फॉर सिन्हालास। ठीक है, देन एंड दे एस्टैब्लिश, इसी को बोलते हैं सिन्हाला सुप्रीमेसी। Who established सिन्हाला सुप्रीमेसी, नाम उसी में, यह नाम में ही है सिन्हाला, सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब इसके अगेंस्ट जो है तमिल्स ने क्या किया, दे लॉन्च प्रोटेस्ट, उन्होंने प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट की, देन श्रीलंकन तमिल्स दे लॉन्च स्ट्रगल एंड प्रोटेस्ट, रिवोल्ट, काइंड ऑफ रिवोल्ट। अब उनकी डिमांड क्या थी, जो ये थे तमिल बोलते थे, इनकी डिमांड क्या थी, देयर डिमांड वॉज टू रेकोगनाइज तमिल, उनका मानना था कि तमिल, जैसे हमारी कंट्री में पता कितनी ऑफिस, सिर्फ एक ही नहीं है, हमारी कंट्री में पता कितनी है, 22, इंडिया में टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22, वन इज हिंदी एंड 21 अदर्स, क्योंकि हमारी कंट्री में अलग अलग स्टेट्स हैं। सपोज आपको अभी नहीं पता लग रहा, जब आप बच्चे पंजाब से बाहर सेंटर एग्जामिनेशन देते हो ना सेंटर लेवल पे, उसमें आपको 22 लैंग्वेजेस में से यू हैव टू ऑप्ट एनी वन, इतनी ज्यादा फ्रीडम मिली है आपको लैंग्वेज की, मीन्स यू कैन गिव इन पंजाबी, यू कैन गिव इन हिंदी, ठीक है, यू कैन गिव इन एनी रीजनल, इंग्लिश तो कंपल्सरी होगा, इंग्लिश कंपल्सरी होगा, इंग्लिश तो कंपल्सरी होगा।